जय गाइस, आज हम देखने वाले हैं इवेपोरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन मतलब जहां पे आप देख रहे हैं कि लिक्विड का कन्वर्जन होगा इनटू द गैसियस स्टेट, या तो हम बोल सकते हैं एज वेपर स्टेट टू प्रिसाइज, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि इवेपोरेशन में मतलब क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोल रहे हैं एज क्या, इवेपोरेशन। अब हम अगर देखें तो इवेपोरेशन क्या है, सिंपल टर्म्स में पहले देखिए, सपोज आप देख रहे हैं कि ये पॉन्ड में या लेक में बल्क में वॉटर प्रेजेंट है क्वांटिटी में, तो आप क्या देखें कि जो वॉटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसमें आप अगर देखें कंपेरेटिवली एनर्जी ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज ये डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है हीट, वेयरएज ये जो पानी है बॉटम में उसमें कंपेरेटिवली एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी में और इसकी एनर्जी में फर्क होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये सन से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इनकी फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एक टाइम पे ऐसा होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, इनकी मोबिलिटी बढ़ने से दे विल ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस आप देख रहे हैं कि जो इसका नीचे वाले पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसका नीचे वाले पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग है, दे विल ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी मोबिलिटी ये पार्टिकल क्या कर जाएगा, एस्केप करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, एस्केप करेगा इनटू द एयर एंड फिर हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, इवेपोरेट, द वॉटर हैज इवेपोरेटेड। दैट मींस अब वो लिक्विड से क्या हो गया, गैस हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई एंड उसके बाद क्या होगा, वो सरफेस को छोड़ देगा एंड वहां से फिर इवेपोरेट होके एयर में मिक्स हो जाएगा। तो इसमें से एक चीज क्या समझ में आ रही कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो आप देख रहे हैं कि इवेपोरेशन जो है इन पर्टिकुलर ये एक सरफेस फिनोमिना है। दैट मींस आप अगर देखिए तो मेनली ये सरफेस पे होगा और उसमें एक और बात जो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे आपको हीटिंग नहीं करना है, ये जो सराउंडिंग का हीट है, जो सराउंडिंग की हीट है वो ये यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख रहे कि आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है हीटिंग का, एक्सटर्नल हीटिंग यहाँ पे आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख रहे कि ये जो सराउंडिंग का हीट है उसको यूज करके ये इवेपोरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें इवेपोरेशन जनरेशन प्रोसेस देख रहे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे टू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे अगला जो टर्म हम समझ के लेंगे कि इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो सबसे पहले रहेगा सरफेस
सबसे पहले रहेगा आपका सरफेस एरिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है ये आपके इवेपोरेशन को किस तरह अफेक्ट करता है, ये अपने को समझ के लेना है। सरफेस एरिया आपके इवेपोरेशन को किस तरह अफेक्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मोर द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे समझने के लिए। समझो अपने पास अभी ये कप है और आप देख रहे हैं कि ये इसका सॉसर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये इस कप में अपने पास एकदम हॉट टी है, वी हैव अ हॉट टी प्रेजेंट इन द कप। तो आप क्या देख रहे हैं कि सपोज अगर हम इस टी को पोर करते हैं इस सॉसर में, इस डिश में, तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं, जब आप टी को इसमें पोर करेंगे तो ये फास्ट इवेपोरेट हो रहा है। एंड डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि जो टी है इट बिकम्स कोल्ड। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे कप का सरफेस एरिया छोटा है, वेरस सॉसर का सरफेस एरिया बड़ा है। तो जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब भी आप देख रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो एज अ रिजल्ट हम क्या देखेंगे, सरफेस एरिया बढ़ने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है ना। अब इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि समझो अगर हम क्लॉथ को ड्राई करने डालते हैं, व्हेन वी ड्राई द क्लॉथ, तो जब आप कपड़े सुखाने डालते हो तो आप क्या करते हैं, यू स्प्रेड द क्लॉथ, यू स्प्रेड द क्लॉथ। अब स्प्रेडिंग द क्लॉथ मतलब क्या, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो आप देख रहे हैं जब आप क्लॉथ को स्प्रेड कर रहे हो तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ रहा है। एंड सरफेस एरिया बढ़ने से आप क्या देख रहे हैं कि जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा। आप अगर कपड़े को ऐसा घड़ी करके रख देंगे सुखाने के लिए तो डेफिनेटली क्या होगा, वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा वाटर। बट आप जब उसको स्प्रेड करते हो तो आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो सेकेंड फैक्टर जो है वो देखेंगे, तो टेम्परेचर, अब सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हुआ, बढ़ा। कब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पे। क्यों, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा पार्टिकल की, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप क्या देखेंगे कि उसके मूवमेंट जो है पार्टिकल की वो फास्ट होगी, मूवमेंट जो है वो फास्ट होगी। मूवमेंट फास्ट होने से आप क्या देखेंगे, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और इवेपोरेट कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे आप अगर देखेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अपनी एक चीज क्लियर क्या होगी कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अब तीसरा जो है, दैट विल बी योर विंड स्पीड, तीसरा जो रेट विल बी योर विंड स्पीड। अब समझ के कह रहे हैं कि विंड स्पीड बढ़ने पे क्या होगा, तो पॉइंट ये आएगा कि विंड स्पीड बढ़ने पे भी,
विंड स्पीड इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवोपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा समझ के लिए, अब क्या है कि समझो फॉर टाइमिंग अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये वेपर पार्टिकल्स है अभी के कंडीशन में, ठीक है। अब क्या है कि समझो एक स्ट्रॉन्ग विंड यहां से आती है, स्ट्रॉन्ग विंड दैट मीन्स तेज हवा अगर आती है तो क्या होगा, वो यहां से वेपर्स को, बहुत सारे वेपर्स को अपने साथ कोई दूसरे एरिया में लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स दे विल कैरी द वॉटर ड्रॉपलेट्स दैट इज वेपर्स टू सम अदर प्लेस। तो इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ वेपर्स यहां पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, कम। तो इसलिए क्या होगा कि इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज यहां पे जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी वो क्या होगी, कम। व्हाई, बिकॉज आपके लिख रही थी जो वॉटर वेपर्स यहां पे प्रेजेंट थे वो कोई और चले गए, एज अ रिजल्ट हवा में अब और ज्यादा खाली स्पेस हो गई है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका इवोपरेशन का रेट बढ़ेगा। अब सवाल यह होगा कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो अपना अगला टर्म ही ह्यूमिडिटी है कि इवोपरेशन पे ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है। आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इट इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये जो टर्म है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एज ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब क्या कि सपोज आपके एरिया में जो एयर है, आपका जो एरिया है उसमें जो एयर है उसकी वाटर होल्डिंग की कुछ कैपेसिटी है, वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी है। अब उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसमें से आप बोल सकते हैं कि एयर ह्यूमिड है या नहीं। दैट मीन्स अगर उसमें वाटर वेपर का क्वांटिटी ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, एयर क्या है, ह्यूमिड है। और अगर वाटर वेपर का क्वांटिटी कम है तो हम बोलेंगे कि वो ह्यूमिड नहीं है। दैट मीन्स आप अगर देखें तो ये दो तरीके समझ के लिए, ये एक एयर है और ये दूसरी एयर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो क्या है, कम है, वाटर वेपर जो है ये कम है। तो वाटर वेपर यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या कि दिस इज नॉट ह्यूमिड या लेस ह्यूमिड, और ये जो है कंपेरेटिवली ज्यादा ह्यूमिड है। तो अगर यहाँ पे वाटर वेपर पहले से ही ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि इवोपरेशन के बाद इसमें क्या ऐड होने लगे, ड्यू टू इवोपरेशन इसमें भी क्या ऐड होने लगे, वाटर वेपर। तो इसके पास पहले वाटर वेपर ज्यादा है तो इसमें और ज्यादा वाटर वेपर ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो डेफिनेटली वाटर वेपर ज्यादा यहाँ पे हम भर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज यू कैन अकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ वेपर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर कम है तो इवोपरेशन के बाद आप देख रहे हैं कि वेपर्स ऐड होने के लिए जगह है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम क्या देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवोपरेशन का रेट कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवोपरेशन का रेट बढ़ेगा। यहाँ पे वाइस वर्सा कंडीशन आ गई, ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवोपरेशन कम होगा, ठीक है। अब
पिछले टॉपिक पे आ रहे हैं जहां पे हमने देखा था कि विंड स्पीड का क्या था। विंड स्पीड में मैंने क्या बोला था कि जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, अपने साथ वेपर्स को कहीं और ले जाएगा, वेपर्स को कहीं और ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, वेपर्स को कहीं और ले जा रहा, तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमिडिटी को कम कर रहा। और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो डेफिनेटली हमने क्या बोला था कि इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि जब भी विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। अब उसके बाद हम अगला पैरामीटर देखें, लास्ट पैरामीटर, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट रेट पे इवोपरेट होते हैं, दे इवोपरेट एट अ वेरी फास्ट रेट, एंड सच लिक्विड आर कॉल्ड एज वोलाटाइल लिक्विड्स, दे आर कॉल्ड एज वोलाटाइल लिक्विड्स। जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे एज पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो ये जो लिक्विड्स होते हैं ये बहुत ही जल्दी इवोपरेट करते हैं, तो ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, एज वोलेटाइल लिक्विड, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बहुत फास्ट है। व्हाई, बिकॉज आप अगर देखें तो इनकी एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, जनरल टर्म्स में अगर देखें तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होंगे कि कुछ ही समय में इवोपरेट हो जाएंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से लिक्विड्स फास्ट इवोपरेट होते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फिर वोलेटाइल लिक्विड्स इवोपरेट एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू द अदर लिक्विड्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें हमने देखा कि इवोपरेशन क्या है, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन क्या है। अब इसके बाद जो टर्म हम देख रहे हैं दैट विल बी इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या ये समझ के लेंगे आप, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट इसका मतलब क्या। अब होना क्या है कि इवेपोरेशन, सबसे पहली बात तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इवोपरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब सवाल आपके बात में भी आ रहा होगा कि अब ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, एक्सो अब यहां लिख रहे हम लोग थर्मिक, और एक और लिख रहे हम एंडो और एक और है थर्मिक। ठीक है, जनरल डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे स्कूल लेवल पे, आगे जाके इसके बेसिक पैरामीटर बदलते हैं, बट स्कूल लेवल पे हम क्या देखेंगे कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या, एक्सो मतलब क्या, आउटसाइड। ठीक है, तो जब आप हीट को रिलीज करेंगे, थर्मिक मतलब हीट, तो व्हेन द हीट इज रिलीज आउटसाइड दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड आप अगर देखिए जहां पे हीट रिलीज हो रही है वहां पे आप देखिए इट इज एक्सोथर्मिक, और जहां पे हीट यूज हो रही है, एंडो मतलब इनसाइड, तो जहां पे हीट यूज हो रही है वो होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस,
दैट मीन्स आप क्या देखेंगे कि जहां पे हीट बाहर रिलीज हो रही होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जहां पे हीट अंदर से यूज हो रही ठीक है वहां पे वो होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में समझो फॉर टाइमिंग का मैं बात करें कि अगर आप पानी में कुछ मिलाते हो सब्सटेंस ठीक है, इफ यू एड सर्टेन सब्सटेंस और उसके एड करने के बाद पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर पानी में वही चीज या कोई ऐसा सब्सटेंस अगर आप मिलाते हो जिससे आपके पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, तो ये होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जिसमें आप हीट रिलीज करोगे होगा आपका एक्सोथर्मिक, और जिसमें आप हीट को यूज करोगे गेन करोगे तो वो होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस ठीक है। अब यहां पे आप क्या देखिए कि ये दोनों प्रोसेस में यहां पे टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ता है, दैट मींस अगर आप रिएक्शन को स्टार्ट देखेंगे तो यहां पे पहले का टेम्परेचर क्या था कम, बाद का टेम्परेचर क्या है ज्यादा, ये मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ा और यहां पे ये मिलाने के बाद टेम्परेचर कम हुआ। तो जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है वो एंडोथर्मिक, और जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो एक्सोथर्मिक। तो यहां पे मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन के समय एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया बोले तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, दैट मीन्स कम होगा। तो इवेपोरेशन से टेम्परेचर कम होगा इसीलिए क्या होगा टेम्परेचर कम होगा मतलब क्या होगा कूल होगा सब्सटेंस, क्या होगा कूल होगा, इसलिए वी सी दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। इसका हम सिंपलेस्ट एग्जांपल अब लेने वाले ठीक है। सपोज अगर किसी पर्सन को फीवर है, क्या है फीवर है, तो उसको अगर हाई टेम्परेचर है तो आप देखो कि हाई टेम्परेचर उसको डेफिनेटली है, तो ये केस में आप क्या देख रहे हैं कि हम उसको वेट कोल्ड कोल्ड वाटर के स्ट्रिप्स यूज करते हैं, कोल्ड वाटर के स्ट्रिप्स जो है उनके फॉरवर्ड पे हम लोग लगाते हैं। अब कोल्ड वाटर की स्ट्रिप्स हम जब फॉरवर्ड पे लगाते हैं गीले पानी की पट्टी हम उनकी सेट करके, तो उससे होगा क्या कि ये जो कोल्ड वाटर है ये जो कोल्ड वाटर है ये क्या करेगा उस पर्सन के बॉडी से हीट को यूज करेगा, और पर्सन की बॉडी की जो हीट है वो यूज करके ये कोल्ड वाटर क्या करेगा दिस कोल्ड वाटर विल इवेपोरेट। तो इसको इवेपोरेट करने के लिए क्या लग रही एनर्जी, कौन सी एनर्जी लग रही हीट एनर्जी, तो वो किससे ले रहा पर्सन की बॉडी से, दैट मीन्स ये हीट को यूज कर रहा और हीट यूज करके ये इवेपोरेट हो रहा। अब वो हीट यूज कर रहा किसकी बॉडी से पर्सन की बॉडी से, तो इसका मतलब क्या होगा कि पर्सन की बॉडी में से हीट क्या होगी कम होगी, एज ए रिजल्ट उसका फीवर कुछ देर के बाद क्या होगा कम होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इवेपोरेशन से क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है, इवेपोरेशन से क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है, एज ए रिजल्ट आप देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर कुछ समय बाद कम होता है ना। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब भी कोई पर्सन बीमार अगर होता है तो उसको हम कोल्ड वाटर स्ट्रिप्स क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो कोल्ड वाटर स्ट्रिप क्या करेगा पर्सन की बॉडी से हीट यूज करके वाटर को इवेपोरेट करेगा, कोल्ड वाटर क्या करेगा हीट लेगा और इवेपोरेट होगा, जिसके वजह से क्या होगा जो बॉडी की हीट है वो कम होती जाएगी, एंड कम होगी इसलिए आपको फिर क्या होगा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि इट इज समर, तो ड्यूरिंग समर्स इट इज एडवाइज टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स, व्हाई बिकॉज कॉटन जो है इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, तो ये स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा कॉटन जो है ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है,
एंड दिस स्वेट इज देन एक्सपोज टू एटमोस्फियर. दिस स्वेट इज देन एक्सपोज टू एटमोस्फियर एंड ड्यू टू दैट आप अगर देखिए ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से हीट लेगा. इट विल टेक द हीट फ्रॉम द बॉडी. ये आपकी बॉडी से क्या ले रहे हैं, हीट लेगा. एंड देन दैट स्वेट विल इवेपोरेट. दैट स्वेट विल इवेपोरेट एंड एज सून एज द स्वेट इवेपोरेट्स आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट द कूलिंग इफेक्ट. अब यहाँ पे कॉटन क्लोथ पहनना है ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज आप क्या देख रहे हैं कि आपके बॉडी से स्वेट को बाहर एक्सपोज करना है एटमोस्फियर तक ताकि वो इवोपरेट हो सके. और ये एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कॉटन क्लॉथ में है और जब वो इवोपरेट होगा तो आपकी बॉडी की हीट यूज करके इवोपरेट होगा. अब आपकी बॉडी की हीट वो अगर यूज कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी बॉडी से वो हीट को कम करेगा, ठीक है. तो ये केस में क्या होगा, आपकी बॉडी की हीट जो है कम होगी एंड देन आप देख रहे हैं कि इसके वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रही, यहाँ पे हीट यूज हो रही है. यू आर टेकिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी. आप बॉडी में हीट दे रहे क्या, नहीं दे रहे. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक. आप जहाँ पे हीट यूज कर रहे वो एंडोथर्मिक, जहाँ पे रिलीज कर रहे वो एक्सोथर्मिक, ठीक है. आई बात समझ में, वेरी सिंपल टर्म. तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. अब एक और एग्जांपल हम देखेंगे. अगर हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है. उसी तरह हम बात करें परफ्यूम्स की, परफ्यूम भी आप अगर देखें तो ये वोलेटाइल लिक्विड है. आपने करना क्या है कि परफ्यूम को आपके You have to spray the perfume on your hand. और immediately आप क्या देखेंगे कि कुछ seconds के अंदर ही आपको cold feel होगा. Why? Because perfume जो है वो क्या है, highly volatile है. तो वो rapidly क्या होगा, evaporate होगा. और वो जैसे ही evaporate होगा तो वो evaporate होने के लिए क्या कर रहा है, आपकी body से क्या ले रहा है, heat ले रहा है. As a result क्या होगा, आपकी body से heat लेके evaporate होगा और आपकी बॉडी को कूल करेगा. एंड एज अ रिजल्ट आप देख रहे कि आपका फिर जो हाथ का टेम्परेचर है वो कम होगा उतनी जगह पे एंड इसलिए आपको उस एरिया पे कूल फील होगा. यू फील कोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो इससे क्या इन्फॉर्म हो रहा कि इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. आप देख रहे हैं इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होगा. तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है कि इवेपोरेशन क्या है, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हमने क्या देखा, सरफेस एरिया है, विंड स्पीड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, नेचर ऑफ लिक्विड है. ये सारी चीजें जो है आपकी इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगी. जब इसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन. तो हमने देखा कि इवेपोरेशन जो है इट कॉज कूलिंग इफेक्ट, ओके. तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने अभी देखे वो आप रिवाइज करेंगे एंड उससे जो भी क्वेरीज आपको जनरेट होती है तो आपने उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है. जय हिंद.